लालची गोलगप्पे वाला चुन्नी लाल ने पैसा कमाने के लिए आज तक न जाने कितने काम किए। कभी कचौड़ी बेची, कभी खिलौने और कभी सब्जियां, लेकिन हर व्यवसाय में उसे घाटा ही हुआ। अब चुन्नी लाल ने एक नया काम शुरू कर दिया। उसने गांव के स्कूल के बाहर एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ बच्चों, आओ आओ आओ, चटपटी पानी पूरी खाओ, आओ आओ आओ। स्कूल की छुट्टी होते ही सारे बच्चे उसके ठेले पर इकट्ठा हो जाते। एक प्लेट पानी पूरी मुझे। नहीं, मुझे पहले। अरे रुको रुको, सबको बारी बारी से पानी पूरी मिलेगी। चुन्नी लाल का ठेला बच्चों के रोज का ठिकाना बन गया था। चुन्नी लाल भी बच्चों से मीठी बातें करके उनसे बहुत सारी बातें जान लेते। अच्छा बताओ, कल कौन कौन पानी पूरी खाएगा? मैं खाऊंगा। ये लो रवि, एक और पानी पूरी। आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि आज मम्मी ने मुझे एक नई सोने की चेन दी है, ये देखो। रवि की गले में सोने की चेन देख चुन्नी लाल की आंखें बड़ी हो गई। उस दिन उसने रवि को बहुत ज्यादा पानी पूरी खिलाई। बस भैया, मेरा पेट भर गया। कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी ये चैन दे दो, मैं तुमसे बाकी पैसे नहीं लूंगा। मासूम रवि ने अपनी सोने की चैन उस धूर्त चुन्नी लाल को दे दी। कई दिनों तक चुन्नी लाल इसी तरह मासूम बच्चों की कीमती चीजें लेकर बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन रवि स्कूल से सीधे घर जाने लगा तो चुन्नी लाल ने उसे रोक लिया। क्या बात है रवि, आज तुम पानी पूरी नहीं खाओगे? नहीं, मैं रोज रोज पानी पूरी नहीं खा सकता, मम्मी पैसे नहीं देगी। पैसे की क्या जल्दी है, पैसे तुम मुझे कल दे देना। सच? चुन्नी लाल की बातों में आकर रवि फिर पानी पूरी खाने लगा। वैसे अगर मम्मी पैसे नहीं देती है तो तुम पैसे चुरा लो। चुन्नी लाल की भड़काऊ बातें रवि के मन में बैठ गई। अगले दिन रवि अपने घर में रखे हुए रुपए चुराने लगा तो उसकी मम्मी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। रवि, तुम पैसे क्यों चुरा रहे हो? हाँ मम्मी, मुझे पानी पूरी वाले भैया ने कहा था कि मम्मी पैसे ना दे तो चुरा लेना। और तुम्हारी सोने की चेन कहाँ है? वो चेन तो मैंने पानी पूरी वाले भैया को दे दी। बेटा, तुम्हें पता है ना, चोरी करना बुरी बात है। रवि की बातें सुन उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। अगले दिन स्कूल से छूटकर रवि जब पानी पूरी खाने गया तो चुन्नी लाल ने हमेशा की तरह उसे पानी पूरी खाने को कहा। ये लो एक और पानी पूरी। और बताओ रवि, तुमने पैसे चुराए? हाँ भैया, ये देखो। 2000? वाओ वाओ, बहुत अच्छे। कल जब तुम्हारी मम्मी और पैसे रखे तो वो भी ले लेना, इससे तुम बहुत सारी पानी पूरी खा सकते हो। चुन्नी लाल ने जैसे ही वो पैसे लिए, रवि की माँ वहाँ आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तू है वो धूर्त पानी पूरी वाला जिसने मेरे रवि की सोने की चेन ले ली और उसे पैसे चोरी करने को कहा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे और सोने की चेन, इन्हें वापस ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और आज के बाद कभी फिर ऐसे नहीं करूंगा। तुम्हें पुलिस में भेजना ही सही सजा है, ताकि तुम और किसी बच्चे के साथ यह धूर्त हरकत ना कर सको। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली यह है कि चालाक और धूर्त इंसान को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है, और दूसरी यह है कि हमें अपने बच्चों को धूर्त लोगों से बचाने के लिए उन्हें सही गलत का फर्क समझाना चाहिए।